अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक आसान सा डिज़ाइन और ज़बरदस्त डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा आपको। पिक्सेल लैब मोबाइल एप्लीकेशन को खोल लें, आपको प्ले स्टोर पर आराम से मिल जाएगी। इसको खोलने के बाद ए वाला बटन दबा दें और उसके बाद ये दबा दें तो टेक्स्ट ख़त्म हो जाएगा जो लिखा हुआ है, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं। उसके बाद ये जाली वाला बटन दबा दें, ये बल्कि जाली वाले बटन को रहने दें और ये बटन दबा दें और इसको दबाने को ये शेप्स, हमें एक शेप लेनी है। यहाँ से ये वाला बटन दबा के हम एक दायरे की शेप लेंगे। अच्छा, जब हमने ये शेप ले लेनी, इसको थोड़ा सा पकड़ के बड़ा कर देंगे। अब इसके हम एक इसके अंदर कलर फिट करेंगे। कलर आपकी मर्ज़ी है, जो जौन से दो कलर आपके दिल करे इसमें फ़िट कर सकते हैं। मैं इसके अंदर दो कलर लगाऊँगा। वो कैसे लगाऊँगा, ये ग्रेडियंट वाला बटन है इसको दबा दूँगा और उसके बाद ये जमा वाला बटन है इसको दबा दूँगा। जब जमा वाला बटन दबाऊंगा तो अब उसके बाद ये वाला बटन दबा के और ये कलर वाला बटन दबाऊंगा तो जो भी मैंने कलर सेट करना है कर लूँगा। मिसाल के तौर पे मैंने ये पीला कलर सेट करना है तो यहाँ से मैं पीला कलर सेट कर लूँगा। उसके बाद ऊपर मैंने कलर सेट करना है, ये वाला बटन दबा दूँगा और दोबारा कलर वाला बटन दबा के दूसरा कलर भी ऊपर सेट कर दूँगा। तो दूसरा मिसाल के तौर पर मैंने ये ऑरेंज कलर सेट करना तो ये और, अब ये दो कलर बन गए हैं तो इस तरह ये दायरा बन चुका है। अब उसके बाद इसकी कॉपी ले लेते हैं। कॉपी जब इस तरह मैं लूँगा तो इसको क्या करूँगा, ऐसे उल्टा घुमा दूँगा। ऐसे घुमाने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँगा और यहाँ पे रख दूँगा। और रखने के बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि, बल्कि हम चाहते क्या है, करना ही ऐसे ही है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, यहाँ फिट करते हैं और फिट करने के बाद इसका कलर हम सफ़ेद कर देंगे। तो सफ़ेद करने के बाद देखेंगे क्या होता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन बनने को तैयार हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला है इसकी कॉपी ले लेंगे। कॉपी लेने के बाद अब एक इसकी कॉपी लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको बड़ा करके इसको थोड़ा पकड़ के बड़ा करेंगे और इसको यहाँ पर ऐसे काट देंगे। तो दोनों को, ऊपर वाले दोनों को मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद इस तरफ आ जाएंगे और यहाँ इरेज कलर वाला बटन है इसको दबा के और इसको फुल कर देंगे। फुल नहीं करेंगे तो थोड़ा सा बढ़ा देंगे। उसके बाद ये डिज़ाइन बन चुका है और हम इसको यहाँ पे रख लेंगे। अच्छा, इसका कलर हमने तब्दील अब करना है। ये जो हमारे पास एक पाइप सा बना हुआ है, बना हुआ पाइप कह रहा हूँ, इसको हम जब लेंगे तो ग्रेडियंट वाला कलर ये लेके जमा वाला बटन दबाएंगे और ये वाला बटन दबा देंगे और अब ओके कर देंगे। तो उसके बाद इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं, उसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, उसको थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर लेंगे और उसको ऐसे घुमा देंगे और उसको यहाँ पर फिट कर लेंगे। जैसे भी आप लोग पकड़ के करना चाहें कर लें। उसके बाद इसके एक और कॉपी ले लेंगे और उसको थोड़ा सा और छोटा कर देंगे पकड़ के और इसको यहाँ पे रख के ऐसे घुमा देंगे यहाँ पे इस तरह। तो मज़ीद अगर आप क्या करें, थोड़े से इसमें और बेहतरी इस तरह कर सकते हैं कि इनको साथ मिला देते हैं इस तरह। अब इन तीनों को मर्ज कर देते हैं। सिर्फ ऊपर वाले तीन जो हमने चांद से बनाए हैं, कार्व से बनाए हैं, उनको मर्ज कर देते हैं। अच्छा, नीचे वाले दोनों को ताला लगा देते हैं। ताला लगाने के लिए ये बटन दबाना होता है। ताला लगाने से अब नीचे वाले हिलेंगे नहीं, सिर्फ ऊपर वाला हिलना है। इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं साथ में, इसको पकड़ के ऊपर से और नीचे से पकड़ के थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि बिल्कुल ये सही फिट हो जाए, खूबसूरत लगे। अच्छा, जब इतना काम कर लिया उसके अंदर अब आप जो भी नाम लिखना चाहें लिख सकते हैं। लेकिन नाम लिखने से पहले अगर तो आप इसको मर्ज कर लें सारे टिक करके, नीचे वाले दूसरा बटन दबा के, तो बेहतर है।
अच्छा, इसके अंदर दो ऑप्शन है आप लोगों के पास। एक डिज़ाइन ये है, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। आपने अगर पूरा नाम लिखना है तो बेशक अपना पूरा नाम लिख लें। मैं सिर्फ अपने सिर्फ यू लिख देता हूँ, अपने नाम का लेटर। और उसको लिखने के बाद इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ और इसको यहाँ पर दरमियान में रख देता हूँ। और कलर फ़िलहाल मैं ब्लैक रख देता हूँ, बाद में जो मैं आपको बताता हूँ इसका कलर कैसे रखना है। ये फ़ॉन्ट वाला बटन है, इसको ले लें और यहाँ पे आपको जो भी फ़ॉन्ट अच्छा लगे यहाँ पे आप लोग ले सकते हैं। मैंने ये चंक 5 ये वाला फ़ॉन्ट लिया है, ये पहले से इसमें मौजूद है, इसलिए मैंने ये लिया ताकि कोई टेंशन ना। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है, इसको ले लिया तो इसका कलर मैं रख देता हूँ ऑरेंज यहाँ पे आके ये कलर। अब इसके अंदर मैं पीला कलर लगाऊंगा, वो कैसे लगाऊंगा, इसके लिए एक बटन होता है इनर शेडो वाला, ये ले लें। और ये लेने के बाद जमा वाला बटन दबा दें और जमा वाला बटन दबाने के बाद यहाँ पे पीला रंग सेट कर लें। उसके बाद नीचे आ जाएं, नीचे आने के बाद ये ऑफसेट एक्स है इसको थोड़ा इस तरह कर लें और ऑफसेट वाई है इसको थोड़ा इस तरह कर लें, इस तरह। तो इस तरह आप आराम से जितना भी आपने आगे पीछे करना है या जो भी करना है यहाँ से आप पीला कर सकें। अच्छा, जो मैं बात बता रहा था वो ये था, अगर हम इसको ले लें, अगर हम इसका सफ़ेद कलर ख़त्म करना चाहते हैं तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है। इसको सिलेक्ट करके सफ़ेद कलर ख़त्म करना है तो ये बेशक इसको ले लें, सफ़ेद कलर ख़त्म कर दें और इतना कर दें। और बैकग्राउंड बेशक आप लोग पूरा बैकग्राउंड ही सफ़ेद रख लें। और इसके अंदर आप यू फिट कर दें तो ये और भी ज़्यादा प्यारा इस तरह बन जाएगा। तो अगर आप पूरा नाम लिखना चाहें इसके अंदर, अधूरा लिखना चाहें, तो मज़ीद इसको मैं थोड़ा ख़ूबसूरत भी ऐसे बना सकता हूँ कि इसको मैं सिलेक्ट कर लूँ। और सिलेक्ट करने के बाद ये सिर्फ ये वाला बटन जो शेडो वाला है इसको ऑन कर दूँ और ऑन करने का ब्लरनेस इसकी थोड़ी सी कम कर दूँ, 2 पे रख लूँ और इसको इस तरह मज़ीद भी और भी ख़ूबसूरत आप लोग बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।